लेकिन सबसे पहले दिलीप घोष जी के पास चलूंगा। दिलीप घोष जी, ये भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रही है, क्या असलियत है इसकी? बात सही है, जब 15,000 के आसपास हिंसक घटना होती है और जहां राज्य सरकार, जिनको ये बचाने का जिम्मेदारी है, खुद हिंसा पर उतारू होती है, उनकी पॉलिसी बन जाती है हिंसा विरोधियों को खत्म करने के लिए, और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर देखते उनके सामने हिंसा घटना होती है और FIR तो लिखित में नहीं लेते हैं, हमको साथ साथ कमीशन पर जाना पड़ा है इतनी 11,000 के लगभग घटनाओं का कंप्लेन करने के लिए, तो यहाँ तो सामान्य बात है। हमारे चुनाव के बाद 4-5 MLA के ऊपर अटैक हुआ है, चुनाव के समय मेरे से लेकर के सारे करीब 15 कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हुआ था, उसके 2 महीना पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे उन पर अटैक हुआ था, और चुनाव के बाद जब इस हिंसाओं से जो पीड़ित लोगों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय मुरलीधरन जी जा रहे थे, उनका गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, उन पर भी अटैक हुआ है। इस भयंकर परिस्थिति में तो हम जैसा सामान्य लोग कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बचा पाएंगे, इसीलिए लगभग 80,000 लोग हिंसा से पीड़ित होकर घर छोड़कर भागे थे, अभी भी हजारों लोग बाहर हैं, और बंगाल से बाहर उड़ीसा और आसाम में जाके इन लोगों ने शेल्टर दिए थे, तो माननीय गवर्नर साहब भी वहां उनसे मिलने गए थे, तो इस परिस्थिति में तो उनको बचाव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग इस संकट में हैं। ये बताइए सर, क्या ये हिंसा पूर्व नियोजित थी? आपको क्या लगता है, क्या इसका इसको प्लान किया गया था और लोग आइडेंटिफाई किए गए थे और उसके बाद उनको निशाना बनाया गया? ना देखिए, हिंसा तो एक दिन नहीं है, चल रहा है 2 महीने से, अभी तक चल रहा है, और वो योजना बना करके ही हो रहा है, दूसरे जगह से लोगों को बुला करके गांव को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आग जलाया जा रहा है, और ये चुनाव के साथ या तो राजनीति के साथ हिंसा बंगाल में कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था यहाँ, उस समय भी इस प्रकार घटना हुई थी, उस समय से हम मुख्य विपक्षी के रूप में यहाँ उभर के आए हैं, और उस समय लगभग 34% से ज्यादा सीट में नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, और उसके बाद भी हम लोग करीब 6,000-6,500 सीट जीते थे जो पंचायत का, उसमें 2,100 चुने हुए प्रतिनिधि को गांव छोड़कर भागना पड़ा था, उनको पर अत्याचार हो रहा था, घर तोड़ दिए थे, और उसमें चारों प्रदेश हमारे बॉर्डर में जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आसाम में उनको रखने के लिए हम मजबूर हुए थे 2-2-3-3 महीना तक। तो ये कोई नई बात नहीं, इस बार चुनाव ज्यादा जगह में हुआ तो ज्यादा हिंसा हुआ, तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, विपक्षियों को सुरक्षा देना, वो खुद अगर हिंसा करते हैं और अस्वीकार करते हैं कि कोई हिंसा हुआ नहीं है, और कल भी एक परसों मंत्री बोलते हैं कोई घर छोड़ कर नहीं गया है, जबकि पुलिस जाकर लोगों को बुला करके घर पहुंचा रही है हाईकोर्ट का आदेश के बाद, हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए हमको इंफॉर्मेशन मांगा कि कौन कौन लोग घर से बाहर है हमको बताइए, तो 31 मई से 10 जून तक इतने समय में हम लोग 3,239 इस प्रकार घटनाओं का और हजारों लोगों का नाम उन तक पहुंचाया, जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया हाईकोर्ट ने, उस आधार पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, फिर भी पुलिस बोलता है हम तो आज पहुंचा देंगे, कल तुमको कौन देखेगा। इस परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और बहुत लोग अभी घर से बाहर है कि किस भरोसा से हम गांव जाएंगे, उसके बाद हमको कौन देखेगा। ये खास समुदाय द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, खास समुदाय को, इसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट में यही पिटीशन आई है। बात सही है, कई जगह में एक विशेष समुदाय के द्वारा और यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर आक्रमण हो रहा है, ज्यादातर घटना घटा है, और दूसरे गांव से आके एक गांव में जाके अटैक किया जा रहा है एक विशेष समुदाय के द्वारा, ये सही है, लेकिन बहुत जगह इससे बाहर भी हुआ है राजनीतिक हिंसा, इसको पॉलिटिकल जिहाद जैसा माना जाए, इस प्रकार परिस्थिति है, कानून व्यवस्था नहीं है और पूरा अराजकता चल रहा है, महीनों तक चल रहा है, दिन को गाड़ी लेके गांव में घुस के गांव को लूट कर लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, इस प्रकार परिस्थिति है, इसलिए लोग घर छोड़कर भागे हुए हैं, घर लौटने के लिए हिम्मत नहीं हो रही लोगों। आपने भी चुनाव के पहले बयान दिए थे जो लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे, और आपका कहना था कि भाई अगर आपके ऊपर हिंसा हो रही है तो आप भी प्रतिहिंसा करिए, क्या बंगाल की हिंसा वाली राजनीति में आपके बयानों ने आग में घी का काम किया है? नहीं दिलीप घोष जी, मैं प्रतिहिंसा की बात नहीं की, मैं प्रतिरोध की बात किया, और ये करने के लिए हमारी अधिकार है, हम जिंदा ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां रहेगा और चुनाव कहां होगा, बात बराबर है दोनों की। नहीं, प्रतिरोध और प्रतिहिंसा एक नहीं है, प्रतिरोध किसी ढंग से कर सकते हैं, आपको घर में रहना और जीने का अधिकार है, लेकिन प्रतिहिंसा हिंसा की बात हम नहीं करते हैं, ना विश्वास करते हैं, हम भारतीय संविधान के आधार पर राजनीति करते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, आप जुड़े हमसे, आपने हमसे सीधे बात की।